प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का भी होगा शुभारंभ। ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही मोदी सरकार, जिससे राज्यों को मिलेगी बड़ी ताकत। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले कांवड़ियों पर होगी FIR। 22 जुलाई से हरिद्वार की सीमाएं होंगी सील। रोड शो के जरिए यूपी का चुनावी माहौल गर्मा रहे ओवैसी, जनसंख्या नीति पर उठाए सवाल। रायबरेली में साथ काम करेंगी स्मृति और सोनिया, गांधी को उपाध्यक्ष बना, ईरानी को दिया गया अध्यक्ष का पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है महाराजगंज के ब्रजमनगंज से। ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के बनगटिया चौराहे के समीप बुधवार की देर शाम पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर ब्रजमनगंज क्षेत्र के जंगल में फरार हो गए। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए फरेंदा के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। SP प्रदीप गुप्ता ने पुलिस कर्मियों को कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक ब्रजमनगंज थाने में बुधवार को लूट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। SP प्रदीप गुप्ता ने बताया कि घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज कराया जा रहा है। उसके खिलाफ 12-14 केस दर्ज हैं। वो नौतनवा थाना का हिस्ट्री सीटर है। मामले में कार्रवाई जारी है। आज थाना ब्रजमनगंज क्षेत्र में ब्रजमनगंज पुलिस और SOG के साथ मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश मोहम्मद अकरम उर्फ टीसू के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। इसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ये नौतनवा थाने का हिस्ट्री शीटर था। इस पर 16 मुकदमे पंजीकृत थे। पिछले कुछ दिनों से ये मोबाइल की लूट की घटनाओं में शामिल था। कल इसने ब्रजमनगंज क्षेत्र में एक मोबाइल की लूट की थी, जिसका मुकदमा धारा 392 IPC का ब्रजमनगंज थाने पे पंजीकृत था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि अपने दो साथियों के साथ उसी मोटरसाइकिल से जिसने कल घटना की थी ये क्षेत्र में घूम रहा है। इस पर इसकी घेराबंदी की गई। इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिससे बचाव में जब पुलिस ने फायर किया तो इसके बाएं पैर में घुटने के पास गोली लगी है और ये घायल हुआ है। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी की तीनों तहसीलों में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार धरना एवं प्रदर्शन किया। सपाई सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने भाजपा पर हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में धांधलेबाजी का आरोप लगाया है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी गलत तरीके से अपने प्रत्याशियों को जिताने का भी आरोप लगाया है। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में ही प्रदेश की कई महिला के साथ बदसलूकी का भी आरोप भाजपाइयों पर लगाया है। सपाइयों का कहना है कि भाजपा ने गुंडागर्दी के बल पर पंचायत चुनाव जीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भाजपा सरकार आंख पर पट्टी बांधकर तमाशा देख रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो किसानों की हालात है, अभी पंचायत के चुनाव हुए उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भाजपा के लोगों ने प्रशासन के साथ मिल के हमारे जिला पंचायत के नामांकन नहीं होने दे रहे थे। ज़बरदस्ती ब्लॉक प्रमुख बना लिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बना लिए। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है। किसानों को कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। नौजवान सड़कों पर टहल रहा है। और भाजपा सरकार के लोगों ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और आज तो एक मुश्किल खड़ी है आप हमारे आपके सामने कि बेटी और खेती कैसे बचे। क्योंकि साथियों, आपको पता है 70% किसान हैं और किसानों के साथ क्या हो रहा। खाद के दाम बढ़ गए, हमारा गेहूं कोई लेने को तैयार नहीं है, हमारी फसलें धान कोई लेने को तैयार नहीं है। तो सरकार हमको बता देना MSP क्लियर कर दे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आप लोग पूरे जनपद में सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन करो और अपनी बात जनता में और प्रेस में मीडिया में पहुंचाओ। जो चुनाव हुए हैं उसको भी लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? जी, उसको भी लेकर जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की पूरी तरह से भाजपा के लोगों ने हत्या किया और ये अभी तक कहते रहे कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारे जनपद कौशाम्बी में जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव रहा हो, चाहे नामांकन की बात रही हो, चाहे हमारे यहाँ प्रमुख के चुनाव की बात रही हो, हमारे यहाँ पूरी तरह से उन्होंने गुंडाई किया हुआ। आपसे कुछ छुपा नहीं है,
पूरे उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, कहीं उनकी साड़ी खींची गई, कहीं उनको नामांकन से रोका गया। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर है यूपी के चित्रकूट से, जहां प्रदेश कार्यालय के निर्देशन पर जिले के विभिन्न ब्लॉक व तहसीलों में संगठन के 22वें स्थापना दिवस पर हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार याज्ञिक के निर्देशन पर जिले में पत्रकार महासंघ का 22वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बैठक कर वृक्षारोपण किया गया। भारत वर्ष में पत्रकार महासंघ का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान जन प्रतिनिधित्व व अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना मरसेना क्षेत्र के ग्राम नगला मुल्ला में आकिल उम्र 13, पुत्र आदिल कक्षा 6 के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में पोखर में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं परिजनों को आशंका है कि हत्या करके पोखर में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस ने मुर्दे को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कब्र से निकालकर जांच करने के आदेश दिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है चित्रकूट के मानिकपुर से। मानिकपुर तहसील में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई व हाल ही में हुए जिला पंचायत व ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ धांधली का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सपा के कार्यकर्ता ने लोकतंत्र की हत्या और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए एवं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तहसील पहुँच उप जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। सपा कार्यकर्ता ने शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सुबोध गौतम पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। ज्ञापन में कुछ तो जनरल इश्यूज हैं, सामान्य वाले की पेट्रोल डीजल गैस की कीमत और, लेकिन मूल रूप से इसमें ये कहा गया है कि जो ये निर्वाचन हुआ है ये निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसमें पक्षपात किया गया है। तो इस तरह की जाँच की धांधली की तरह का उन्होंने ऐसा लिख कर दिया है जिसकी जाँच कराई जाए और यदि कोई दोषी दोषी हुए तो सर किनके लिए ज्ञापन दिया गया था, जिनके नाम पर ज्ञापन दिया गया था, ये ज्ञापन किनके लिए दिया गया था? ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दिया गया है, इसको जो है उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।